हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और शिवाला आर्ट्स की तरफ से ये देखिए। और ये आज मैं ना रोहू मच्छी लेके आई हूँ। और इसको रोहू मच्छी को किस तरीके से मैं प्रिजर्व करती हूँ, रखती हूँ, और ये कल बनाऊँगी मैं अगले दिन, तो मैं आज लेके आई हूँ। और इसको क्लीन करके मैं किस तरीके से रखती हूँ आपको दिखाती हूँ, और इसका कटिंग भी दिखाती हूँ। इसको हम लोग बंगाली लोग कट कैसे करते हैं, बंगाली लोग तो सबाई जाने नहीं। আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমার চ্যানেলে শিবালা আর্টসে, নমস্কার। আর আপনারা সবাই জানেন রুই মাছ আমরা কিরম করে কেটে ধুই, আমরা রান্না করি, তো আপনাদের সবার জন্য শিবালা নিজের স্টাইলে এসে যাচ্ছে। রুই মাছটা কাটছে দাদা, পেটি বার করবা না, আর পেটিটা সামনে একটা থোড়া লম্বা জায়গা তো চলে গেল। पहले पान काट दिया, पान बोलते हैं कतला बांग्ला में, क्या बोले पान के, पान बोले, पान बोले, पान बोले, एक नो आज बोले। अच्छा, बहुत एक्सपीरियंस होएगा चक्के के बीच में। কত বছর ধরে কাটছো? 18 20 বছর হবে। হ্যাঁ, 18 20 বছর। দেরও দাও 2 মিনিট। তেলটা দাও না, কোনটা তেল ছিল এটা? কতগুলো পিস হলো দাদা এটা? দশ বারোটা হয়ে গেছে, আর কত ভাড়া? তো মানে আচ্ছে সে ধো লিয়া হ্যাঁ চার বার। और इसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसमें मैं नमक ऐड करती हूँ। हम लोग बंगाली लोग नमक और हल्दी ये ऐड करते हैं। और ये मेरा पिटारा खुल गया है, ये मसाले का डब्बा देख सकते हैं। इसमें मैं हल्दी टर्मरिक यूज़ कर रही हूँ। टर्मरिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है जैसे आपको पता है। सो अराउंड मैंने 2 चम्मच टर्मरिक यूज़ किया है। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी लाल मिर्च का पाउडर, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि जब मैं फ़िश बनाऊँगी तो फ़िश में भी यूज़ होगा। तो लाल मिर्च का पाउडर इसलिए
क्योंकि हल्दी नमक तो डाल दिया है, चलो ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए हल्दी नमक की ज़रूरत है और इसको रखने के लिए, और मच्छी में भी अंदर नमक चला जाएगा, हल्दी तो चलो ठीक है, अच्छा हेल्थ के लिए है और कलर के लिए है। बट ये जो मिर्ची मैंने पाउडर यूज़ किया है, इसमें एक जो स्वाद आएगा मच्छी में वो अलग से स्वाद आएगा, इसमें स्पाइसी भी रहेगा, इसके साथ अपना सॉल्ट के साथ स्पाइस भी ऐड हो गया है। यूजुअली हल्दी और नमक यूज़ करते हैं लोग, मगर मैं इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर यूज़ करती हूँ, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मैं अभी हल्का सा और, क्योंकि स्पून बहुत छोटा है, मतलब स्पून मिर्ची का स्पून मैंने छोटा ही रखा है ताकि ज़्यादा मिर्ची यूज़ नहीं हो। तो ये मैंने ऐसे हिलाना पड़ता है, ऐसे ऐसे स्टाइल से एकदम, हाँ शिवाला स्टाइल है ये। अभी ये जो है ना, इसको मैं प्रिजर्व करूंगी एक डब्बे में अलग से, ये मुंडी को नीचे रखूंगी, क्योंकि मैं भी मैं मुंडी बनाऊंगी साथ में, सबसे नीचे मुंडी और टेल, लैजा बोलते हैं हम इसको, माथा और लैजा, ठीक है छे, तारपरे एटा गाधार पेटी, हम लोग गाधा बोलते हैं इसको सुनने में। ये देखिए एटा कोले, ये पेट की तरफ का है, इसमें कांटा कम होता है, और ये जो पेटी है ये गाधा बोलते हैं जिसको, जिस जो पीठ की तरफ होता है, इसमें थोड़ा सा कांटा चेक करके खाना होता है। और जो फिश ईटर है तो उसके लिए तो क्या बात है, वो कांटा हो क्या हो वो तो खा ही लेते हैं मज़ेदार एकदम, उनको आदत पड़ी हुई है ना, बिल्कुल हम बंगाली को बिल्कुल आदत है इस तरीके से मच्छी हम लोग खा लेते हैं, और चाहे वो कांटा हो चाहे नहीं कांटा हो, थोड़ा सा चेक करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है बच्चों को स्पेशली ना, जब बच्चों को मम्मियाँ खिलाती हैं घी चावल के साथ, तो हमारे फैमिली में ऐसे ही था कि घी चावल गरम गरम चावल पकते थे तो उसके साथ मच्छी फ्राई होता था, तो मच्छी जब फ्राई होने के बाद मम्मी खिलाती तो इसमें कांटा जो है ना अलग अलग सेपरेट करके आराम से बच्चों को खिलाया जाता है, बच्चों को हम लोग नहीं देते हैं फिश अपने हाथ में, तो इसमें कांटा होता है, मगर फिश हेल्थ के लिए बहुत उपकारी है इसलिए हम फिश खिलाते हैं बच्चों को भी और हम खुद भी खाते हैं। अभी मैं इसको फ्रिज में प्रिजर्व करूँगी, फ्रिज में कोल्ड स्टोर में ऊपर रख दूँगी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, और आप लोग शेयर कर रहे हो, आप शेयर माय चैनल, और हमेशा जैसे मैं बोलती हूँ शिवाला आपसे जितना प्यार करती है शिवाला को आप कई गुना ज़्यादा प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, शुक्रिया उसके लिए, थैंक यू सो मच, खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड, आसछि नतून वीडियो संगे शिवाला आर्ट्स।